नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। आज के कार्यक्रम की हम बात करें तो हमारा आज का विषय है कौन किसके संग, राजस्थान में गद्दी की जंग। दरअसल आने वाले समय में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार है। बीजेपी गहलोत और सचिन पायलट को लेकर अक्सर कांग्रेस पर निशाना साधती रही है, लेकिन इस बार बीजेपी मेघवाल बनाम मेघवाल को लेकर जूझ रही है। यहां हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल के बीच चल रही जुबानी जंग को लेकर। आइए पहले खबर पर नजर डालते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान में राजगद्दी की जंग तेज हो चली है। नेताओं ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस को भ्रष्टाचार के नाम पर कोसने वाली और उसे सत्ता से बेदखल करने का दावा करने वाली पार्टी भाजपा को अचानक जोर का झटका लगा है। राजस्थान में भाजपा के अपने ही नेता ने अपने ही दल के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर निशाना साधा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल ने कहा है कि अर्जुन राम मेघवाल भ्रष्टाचारी नंबर एक है। के अंदर ना तो कार्यकर्ताओं की पूछ है ना नेताओं की पूछ है। ये अर्जुन राम जी गैर राजनीतिक व्यक्ति रिटायर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। इनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। इनका इतिहास मैं जानता हूं। ये बीकानेर से आते हैं, किस्मदेसर गांव के हैं। जब हम लोग आंदोलन करते थे ये उस वक्त नौकरी में थे। जब तक रिटायरमेंट नहीं हुए 60 साल से पहले आप एक भी स्टेटमेंट नहीं बता सकते। दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी में लीडर चाहिए, सीडी। कैलाश मेघवाल यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने कांग्रेस की भी तारीफ की, जिससे सियासी पारा और गर्मा गया है। वहीं कैलाश मेघवाल के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुझे उन्होंने कहा टिकट दिलाओगे क्या मुझे इस टॉम पे बात की। मैंने कहा टिकट तो पार्टी देती है, मैं थोड़ी देने वाला हूँ। अगर आपने टिकट नहीं दिलाई तो आपकी बखिया उबेड़ो। तो मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो आप, धमकी दे रहे हो क्या? तो असली मामला तो उनके टिकट का है। वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मिले तो किसी ने कह दिया होगा भाई पार्टी में 75 साल की एक सीमा रखी है, अब वो आदमी रहता है। उन्होंने कहा नहीं हाँ भरो, तो किसी ने हाँ नहीं भरी होगी तो वो अब कांग्रेस में जाना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के इस बयान से सियासी पारा हाई हो गया है, लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि राजस्थान में अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि कौन किसके संग है। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने कैलाश मेघवाल को तत्काल पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। वहीं भाजपा आलाकमान भी कैलाश के इस बयान से खासा नाराज है। ऐसे में आने वाले समय पर उन पर गाज गिरना तय है, ऐसा माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो चुनाव से पहले राजस्थान में नया संकट देखने को मिल रहा है और इस संकट से जूझ रहे हैं बीजेपी के अब तमाम नेता, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि बीजेपी के नेता ही इस चुनावी साल में एक दूसरे के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाते हुए नजर आएंगे। चुनाव से पहले राजस्थान बीजेपी में नया संकट अब गहरा गया है। केंद्रीय मंत्री मेघवाल के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी किस तरीके से अब इस दाग को धो पाएगी ये देखने वाली बात होगी। राजस्थान में एक गहरा संकट, और ये जो संकट है वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि पार्टी के कद्दावर नेता कैलाश मेघवाल की वजह से ही आ गया है, क्योंकि कैलाश मेघवाल ने अर्जुन मेघवाल को भ्रष्टाचारी बताया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब वो एक अधिकारी थे तो उन्होंने इस दौरान कई भ्रष्टाचार किए हैं। मुद्दे पर दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं की हम राय लेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि चुनाव का ये साल है राजस्थान में और इससे पहले ही बीजेपी में अब बगावत शुरू हो गई है और इस दौरान एक गंभीर आरोप लगाया बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश मेघवाल ने, जहां उन्होंने अर्जुन मेघवाल को भ्रष्टाचारी बताया
और उन्होंने कहा कि अर्जुन मेघवाल जब एक ब्यूरोक्रेट थे, जब एक ऑफिसर थे, तो उस दौरान उन्होंने काफी भ्रष्टाचार किया। इसके बाद जब उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए तो अर्जुन राम मेघवाल ने भी कहा कि मुझे कैलाश मेघवाल ने कॉल किया और मुझको कहा गया कि मुझे हर हाल में इस बार टिकट चाहिए। मैंने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इस वजह से वो लगातार इस तरह के आरोप लगाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैलाश मेघवाल ने अर्जुन मेघवाल को भ्रष्टाचारी बताया है और इसके बाद बीजेपी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इसी को लेकर करेंगे चर्चा। चर्चा के लिए दो खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय एक बार फिर से आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता तन्मय शर्मा जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ कांग्रेस के नेता विनोद सिंह जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तन्मय जी, चुनाव से ठीक पहले आपकी पार्टी में बगावत दिख रही है, कैलाश मेघवाल जैसे सीनियर नेता मुख्यमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं और अर्जुन राम मेघवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये कोई बगावत का चिन्ह नहीं है। हर व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार जो भी बोलते हैं। हम एक अनुशासित पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन पूरा पूर्ण रूप से है और इसी संदर्भ में जो भी मेघवाल साहब ने कहा है वो उनका अपना मत है। उन्होंने जैसा भी कहा, जो भी कहा, उसके लिए पार्टी ने उन्हें नोटिस ऑलरेडी इशू किया है और 10 दिन का समय दिया है। जो भी होगा पार्टी के ये अंदर का मामला है, पार्टी अपने आप इसको संभाल लेगी। अनुशासन के अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो पार्टी करेगी। लेकिन बगावत नहीं, लेकिन ये पार्टी के भीतर का मामला तो रह नहीं गया है ना। अब ये देखिए ना कि चीजें तो बाहर तक निकल कर आ गई हैं, कैसे इस दाग को आप धुल पाएंगे? नहीं, देखिए, जब भी कोई व्यक्ति बोलता है तो सार्वजनिक पटल पे आकर के बोलता है। मेघवाल जी ने जो भी बोला है वो अपने हिसाब से बोला है, कैलाश जी ने जो भी बोला है अपने 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 विचारों से बोला है, परंतु अनुशासन समिति जो भी है, हमारी जो पार्टी की अनुशासन समिति, वो इसको पूरी तरह से देख रही है, समझ रही है और उन्होंने उनको नोटिस और जवाब का नोटिस दिया है उनको। और ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, पार्टी अपने आप संभाल लेगी। हर पार्टी में इस तरह की समस्याएं आती है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में नहीं आई हो कभी। अपने आप, मतलब अभी आपने राजेंद्र गुड़ा जी का ये एग्जाम्पल लिया, वो तो बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल था। आपने देखा अभी इस समय में कि उनको मंत्री पद ही छीन लिया गया, तो ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी में नहीं था। तो आज आज आप जो ये बातें कह रहे हैं कि पार्टी का अंदरूनी मामला है, जब सचिन पायलट और इसके साथ ही अशोक गहलोत के बीच कोई भी झगड़ा होता था, कोई भी विवाद होता था, तो वो भी उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला था। आप लोग क्यों उसको इतना इतना बड़ा चढ़ाकर लेते थे? क्यों इतने मजे आप लोग लेते थे फिर उस दौरान? सचिन पायलट जी ने तो सरकार को गिराने की पूरी कार्रवाई कर ली थी, सारे ने अपने विधायकों को बांध के वो चले गए थे बाहर यहाँ से लेकर जयपुर से। तो वो एक दूसरा मामला है जो कि सार्वजनिक रूप से था, जिससे जनता अफेक्ट हो रही थी, जिससे स्टेट राज्य अफेक्ट हो रहा था, सरकार अफेक्ट हो रही थी। इससे कुछ भी अफेक्ट क्यों रहा, यहाँ सामने बात है, पार्टी के अनुशासन के अनुसार कार्रवाई होगी, जो भी होगी, जैसी भी होगी, वो पार्टी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उसको देख करके निस्तारण करेंगे। विनोद जी, सहमत हैं आप तन्मय शर्मा जी की बातों से? इसके साथ ही जो यहां पर बातें कही हैं उनका तो जवाब दीजिए ही, इसके साथ ही ये भी बताइए कि अर्जुन राम मेघवाल के आईएएस रहने के समय किए गए कथित भ्रष्टाचार पर अब आप जांच की बात कर रहे हैं, क्या आप कैलाश मेघवाल के आरोप की प्रतीक्षा कर रहे थे? नहीं, देखिए, बिल्कुल कैलाश मेघवाल जी ने जो बात कही है वो सही है और अर्जुन मेघवाल जी की अगर आरोप ये लगे हैं तो इस पर निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। और ये केवल उनका ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग या राजस्थान के सम्मानित वासीगण सब ये जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार या भारतीय जनता पार्टी का काडर और नेता आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और ये राजस्थान को केवल लूट के लिए वहां पर नए नए प्रयोग, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा किस प्रकार से जनता का अपमान करते हुए बैकडोर पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स ये पार्टी करती है, तो सारे नैतिक मूल्यों की, संवैधानिक मूल्यों का हनन करना चूंकि सरकार में रह के दबाव की राजनीति के तहत आसान हो जाता है तो ये करना चाहते हैं। लेकिन राजस्थान के सभी सम्मानित नेता चाहे किसी दल में हो और वहां की सबसे अच्छी जनता वो पूरे विवेक से फैसला लेगी, वो देख रही है कि इतने विरोधों के बावजूद, राजस्थान का उसका वाजिब हक न देने के बावजूद, इतनी राजस्थान सरकार की उपेक्षा करने के बावजूद दिल्ली सरकार के द्वारा, राजस्थान की सरकार, जनप्रिय सरकार, राजस्थान की सेवा में निरंतर कार्यरत सरकार, अशोक गहलोत जी के अनुभव में पूरी तरीके से विकासोन्मुखी सरकार,
तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है। देखिए अब ये इस प्रकार की दबाव की राजनीति, इस प्रकार की विवाद की राजनीति, हिंसा की राजनीति, सबका कलई, सबकी पोल। चलिए कुल मिलाकर आपने अपनी पार्टी का पूरा प्रचार तो यहाँ पर कर दिया विनोद जी, लेकिन जो मैंने सवाल आपसे पूछा उसका आप जवाब नहीं दे पाए। तन्मय जी, ऐसे समय में जब आपकी पार्टी के बड़े नेता लाल डायरी लहराकर मुख्यमंत्री गहलोत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, कैलाश मेघवाल के बयान ने उन आरोपों की धार को कमजोर कर दिया है। कहा तो ये भी जा रहा है सर कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इसके पीछे हैं, वो खास तवज्जो ना मिलने से नाराज चल रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वसुंधरा जी हमारी पार्टी की शीर्ष नेता हैं और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उनका सम्मान पूरा वैसा ही जैसा था और अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं कि वो इस तरह की हमारे पार्टी के अंदर कोई कुछ विचारधारा चल रही है, बिल्कुल भी नहीं है। वो पार्टी के बिल्कुल काम कर रही है और उनके पास एक प्रदेश ही नहीं, चूंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते पूरा प्रदेश नहीं पूरा राष्ट्र उनके पास होता है, उनको 50 चीजें और देखनी होती है। और हमारी पार्टी समायोजित है, अनुशासन से चल रही है। रही बात इसकी कि भ्रष्टाचार की, बात अगर ये कह रहे हैं कि अर्जुन मेघवाल जी के टाइम में जो भी समय में, मैं आपको एक बात बताऊं, 55 साल जब कांग्रेस रही, मैं भ्रष्टाचारियों के नाम अगर गिनना शुरू करूं, अमरनाथ जी से लेकर के दिग्विजय सिंह जी से लेकर के जितने बड़े बड़े नाम है, अगर उनका वो खंगाला जाए, उनकी संपत्ति, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। लेकिन सर कि जो उन्होंने किया वो हम भी करेंगे, ये पत्ते कटना अनुचित है कि अर्जुन मेघवाल जी आईएएस है तो उन्होंने क्या किया, ये नहीं। आज की हम बात कर रहे हैं, बात ये है कि कैलाश जी ने अगर कुछ भी आरोप लगाए हैं वो पार्टी की दृष्टि से देखी जाए तो अनुशासन के अनुसार है। अनुशासन समिति उसके ऊपर डिसीजन लेगी, शीर्ष नेता तो उसको बताएगा कि क्या करना है, वो भी आपके सामने आ जाएगा। परंतु एक समय से अभी हम एक डिसीजन नहीं बता सकते कि क्या आप कैलाश जी के आरोप को सही मानते हैं कि नहीं मानते हैं, कैलाश जी के आरोप पर खुद पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उनको एक जिम्मेदार नेता एक आवाज मानते हैं कि नहीं मानते हैं, और चुनाव के इस समय में भारतीय जनता पार्टी का, उनके केंद्रीय नेताओं का, मंत्रियों का जो भ्रष्टाचार है, वो कोई भी राजस्थान से प्यार करने वाला आदमी किसी भी पार्टी में होगा तो उसकी आवाज को उठाने का काम करेगा। आपको सफाई से जवाब देना चाहिए, बातें करना अनुचित है, खुद के आप अगर बयानबाजी कर रहे हैं, दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, आप बताइए इस आरोप के साथ है कि नहीं, के डाल दिया जिसको ये विकास की सरकार कह रहे हैं। आज ही अखबार का, पत्रिका का या किसी भी अखबार का आप मुख्य पृष्ठ उठा के देख लीजिए, लगातार बढ़ते ग्राफ से भ्रष्टाचार और स्पेशली जिस तरह से अनुशासन, जिस तरह से कानून व्यवस्था खराब हुई है इस प्रदेश की, इससे पहले आज तक कभी देखी नहीं गई, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का। लेकिन इस बार तो हद कर दी कि अशोक गहलोत ने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे राज्य को लाके गर्त में डुबो दिया और अपने आप को बताते रहे किस तरह कहीं सचिन पायलट इनकी कुर्सी में आके बैठ ना जाए, कभी पैर खराब कर लिए, कभी मीटिंग में नहीं दिल्ली पहुंचे, इन्होंने पूरा राज्य ला करके डुबो करके छोड़ दिया है। अब जनता ये निश्चय कर चुकी है कि कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे जो ये सोच रहे की वापस सरकार बनाए। लेकिन तन्मय जी आपकी तो पार्टी के जो नेता है वो भी इतने प्रभावित है की वो भी गहलोत जी की तारीफ कर रहे हैं कि उनसे अच्छा काम किसी ने किया नहीं। कैलाश मेघवाल तो खुद कह रहे हैं कि गहलोत जी ने इतना बढ़िया काम किया, सीपी जोशी जी ने इतनी अच्छी सड़कें बनवाई। पहले शुरुआत में ही वो निवेदन किया है, ये कैलाश जी का अपना मत है, उन्होंने अपनी बात कही है, जरूरी नहीं पार्टी के पटल पे नहीं कही गई या पार्टी की तरफ से नहीं कही गई, उन्होंने कहा है, ये उनका कहना है, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो कहे वो सही है। हर व्यक्ति पार्टी के हिस्से है कि नहीं, क्या बात करते हैं आप, उन्होंने। तन्मय जी, हम और आप डिबेट के लिए क्यों बैठे हैं, वो कोई आम व्यक्ति तो नहीं है ना, वो कोई आम व्यक्ति तो है नहीं कि हम उसके लिए डिबेट पर बैठे हैं। आपकी पार्टी के इतने सम्माननीय नेता हैं और आपकी पार्टी के इतने कद्दावर नेता जब इस तरह के आरोप लगाएंगे तो बात तो दूर तक लग जाएगी, आप उससे पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि वो उनका अपना निजी विचार है। हम ये भी कह रहे हैं कि पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें दूसरी पार्टी वालों को देखने जरूरत, जिसके गिरेबान खुद गलत हो, भ्रष्टाचार का मामला है। वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, अंदरूनी मामला कैसे हो गया? अब गहलोत सरकार कह रही है कि हम जांच कराएंगे, उन्होंने कह दिया भ्रष्टाचार के मामले आपके अंदरूनी मामले होते हैं क्या? सारे भ्रष्टाचार के मामले आपके अंदरूनी मामले होते हैं, व्यक्तिगत मामले होते हैं क्या? पार्टी अपने वाला है, सबकी अपने आप देखेगी, नेतृत्व अपने आप देखेगा किसका क्या डिसीजन लेना है और आपके सामने जल्दी आ जाएगा। 10 दिन का समय कैलाश जी को दिया गया है नोटिस देने के बाद में, वो अपने आप जवाब देंगे और आपके सामने सब कुछ खुल के आ जाएगा, इसमें किसी दूसरे पार्टी जवाब अर्जुन मेघवाल जी से लेना चाहिए, किसी और जो आरोपी की भूमिका सवाल कर दिए जा रहे हैं उससे आप जवाब करने वाले से जवाब ले रहे हैं।
मतलब भ्रष्टाचार में आप पूरी तरीके से सहभागी हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करते हैं, कि आप घटना ही घोषित करती है। अगर उस लाल डायरी की मैं बात कर लूँ तो आप खुद शर्मिंदा हो जाएंगे उस लाल डायरी के पन्ने पढ़ के। ठीक है ठीक है, लाल डायरी को लेकर कई बार डिबेट कर चुके हैं, लेकिन आज आज जो मुद्दा है उस पर ही रहिए ना तन्मय जी। इस तरीके से भागने से तो काम नहीं चलेगा सवालों से। विनोद जी, अर्जुन राम मेघवाल कह रहे हैं कि कैलाश मेघवाल आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबा में झांक कर देखें। कैलाश मेघवाल आज से 15 वर्ष पूर्व वसुंधरा के खिलाफ 10,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के उन्होंने आरोप लगाए थे। वो कह रहे हैं कि उम्र के साथ उनके दिमाग ने काम करना भी बंद कर दिया है और वो अब मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। देखिए वो भी, फिर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, पार्टी का मैं विनोद जी से सवाल कर रही हूँ। इनका सांसद का भी बयान आया है, उन्होंने कहा है कि कैलाश जी जो आरोप लगाते हैं वो सही लगाते हैं। उन्होंने अपने पिछले हिस्सा दिया कई बयानों का हवाला देते हुए। ये और बात है कि उनको, उनकी आवाज को, उनके सवाल को, उनके भ्रष्टाचार के आरोप को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इनके कारण प्रयास करती है, उनको दबा दिया जाता है। उन्होंने ये कहा है, देखा जाए ये कितनी दूर दबाने की कोशिश। तो आपने भी राजेंद्र गुड़ा जी को की ना, वो सभी ने देखा। नहीं नहीं, देखिए कोई, देखिए एक बात है, वो भारतीय जनता, जैसे मैंने कहा राजस्थान भाजपा में भगदड़, ठीक उसी प्रकार से भगदड़ मच गई है जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भाजपा में भगदड़ मची हुई है। क्योंकि लगातार इन्होंने प्रदेश की जनता को ठगने का, लूटने का, भ्रष्टाचार के माध्यम से उसके साथ अन्याय करने का काम किया है। कांग्रेस की सरकार, चाहे वो, अब मैं राजस्थान की ही बात करता हूँ, इतने बेहतरीन काम कर रही है, इतने अंतर विरोधों के बावजूद भी जब मुखर रूप से सामना करना पड़ता है तो प्रधानमंत्री जी भी गहलोत जी की तारीफ किए बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये उनकी मजबूरी है। वो लगातार निरंतर अपने अनुभव का लाभ देते हुए राजस्थान के सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के दूसरे पार्टी के जो नेता हैं, विनोद जी, वो भी गहलोत की तारीफ कर रहे हैं, तो राजस्थान में टिकट बंटवारा आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि दावेदार काफी बढ़ गए हैं। जी ये मैं मानता हूँ, चुनौतीपूर्ण किसके लिए होता है, जिसके लिए जनता मन बना जाती है कि ये सरकार, इस पार्टी की सरकार आने वाली है, संभावना व्यक्त। लेकिन उस चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का प्रदेश का नेतृत्व, शीर्ष का नेतृत्व पूरी तरीके से सक्षम है। कोई बात, कोई विवाद नहीं होगा, सब हमारे कार्यकर्ता है। एक शर्त है, केवल जिताऊ और टिकाऊ। जो जिताऊ और टिकाऊ होगा, राजस्थान की सम्मानित जनता की सेवा में निरंतर प्रयासरत रहेगा, मनोयोग से काम करेगा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को, राजस्थान की सरकार को विकास की ओर ले जाएगा, भ्रष्टाचार के ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगा, भारतीय जनता पार्टी के झूठ भरे जुमले की राजनीति को, विनाश की राजनीति को, हिंसा गोली लाठी की राजनीति को खारिज करने का काम करेगा, उसको टिकट मिलेगा। चलिए ठीक है, अगले सवाल ले लेती हूँ तन्मय जी। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि राजस्थान में आपका संगठन मजबूत नहीं दिख रहा है, जातीय और क्षेत्रीय वर्चस्व की राजनीति आपकी योजना पर भारी दिखाई दे रही है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि संगठन पिछले 4.5 वर्ष जिस प्रकार कार्य कर रहा है, एक मजबूत विपक्ष की तरह बैठ करके हमने जिस तरह कार्य किया है, जो होमवर्क, जो ग्राउंडवर्क हमारा हुआ है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन अपने हिसाब से, कांग्रेस में कहीं अनुशासन को प्रिंसिपल है नहीं, परिवारवाद है। अभी भी ये राजस्थान में यही देखेंगे कि किसके बेटे को, किसके भतीजे को, कि किसको बनाना है, किसको टिकट देना है, या टिकट बेचते फिरेंगे। आप खुद देख लीजिएगा, इनके प्रदेश अध्यक्ष वापस लिप्त पाए जाएंगे, कितने उनके ऊपर आक्षेप लगे हैं, उसमें वो पाए गए हैं, बट इनकी मजबूरी की उनको नहीं हटा सकते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये विश्वास करती है कि जो जनता से जुड़ा हुआ है, जिसका फीडबैक अच्छा आएगा, वो टिकट का हकदार रहेगा, प्लस जो पार्टी के अनुशासन से चलेगा, राज्य की सेवा में लगेगा और ढंग से काम करेगा, उसका टिकट मिलेगा। ठीक है सर, समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कैलाश मेघवाल ने जहां एक तरफ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो सीपी जोशी और इसके साथ ही अशोक गहलोत की तारीफ करते हुए नजर आए। इसी के साथ खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।